हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ उज्जैन श्री महाकालेश्वर जी का दर्शन करने के लिए और आप लोगों को भी यहाँ का दर्शन कराएंगे। मैं तो कल रात से यहाँ उज्जैन पहुँच चुका था और यहाँ रूम लेकर के मैं रुका हुआ था। यहाँ से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर मंदिर है और अभी मैं नहा धो करके रेडी हो चुका हूँ और अभी जाऊँगा मंदिर के दर्शन के लिए। अभी यहाँ पे आरती होने वाली है तो वहाँ का पूरा व्यू दिखाएंगे, क्या है कैसा है जो भी है एक्सप्लोर कर पाएंगे तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे वहाँ। वैसे तो अंदर में वीडियो बनाने के लिए मना है, मंदिर के पास में बनाने के लिए मना है, लेकिन उसके आई साइड में बनाने के लिए मना नहीं है, तो वहाँ का पूरा व्यू दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। दोस्तों, तो हम लोग मंदिर के लिए प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग को वीआईपी लाइन में ना जा करके नॉर्मल लाइन में जाने वाले हैं। भगवान का जल्दी जल्दी दर्शन नहीं करेंगे, आराम से दर्शन करने वाले हैं और यहां से कॉरिडोर स्टार्ट हो जाता है। तो कॉरिडोर का व्यू कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी स्तंभ वगैरह और भगवान का बहुत बड़ा बड़ा मूर्ति बना हुआ है। उज्जैन की इस भूमि में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम लोग महादेव के दर्शन के लिए निकल चलते हैं। महादेव के मंदिर का व्यू कुछ इस प्रकार से है। इसी मंदिर के अंदर हम लोगों को जाना है, इसी के अंदर बैठे हैं हमारे महादेव बाबा। तो उसके लिए सबसे पहले नारियल फूल और प्रसाद वगैरह लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल को अंदर नहीं ले जाने देते, तो मोबाइल को बाहर में ही जमा करा देते हैं। तो हम लोग मिलते हैं बाबा का दर्शन करने के बाद। दोस्तों, हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और दोपहर 1 बजे से हम लोग लाइन लगाए थे तो करीब करीब 4 बजे हमें दर्शन करने को मिला। ज़्यादा भीड़ नहीं था, मस्त बाबा का जयकारा लगाते निकल चले थे और बाबा जी की मर्जी से हम लोग दर्शन किए और हम लोग गर्भगृह में जाकर बाबा को छू करके दर्शन किए हैं। गर्भगृह में ऐसा लगा जैसे हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। बाबा की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, ऐसा हमने बाबा जी से मिन्नतें मांग ली हैं। और क्या है, आप लोग भी यहाँ जरूर आइए बाबा जी का दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छी जगह है यहाँ उज्जैन। गर्भगृह में 1 बजे से 4 बजे के बीच ही जाने को मिलता है, क्योंकि उसमें मतलब उससे पहले बाबा का श्रृंगार वगैरह होता है। हम लोग को पता नहीं था, फिर भी चले गए थे और अच्छे से दर्शन किए वहाँ। जो और प्रसाद लेकर के गए थे हम लोग, नारियल वगैरह, तो उसमें से कुछ रख कर बाकी वापस कर दिए। और ये पूरा कॉरिडोर का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है, अभी और डेवलप हो रहा है। तो दोस्तों, अभी हम लोग आए हुए हैं राम घाट और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीछे में छिपरा नदी है। यहाँ पे राम भगवान आए हुए थे और ये भारत देश की पवित्र नदी में से एक नदी मानी जाती है इसको। तो चलो यहाँ का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, शाम का टाइम है और अभी टाइम हुआ है 6:30 समथिंग और अभी जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मानो एक बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ का माहौल देख सकते हैं आप लोग। अभी यहाँ पे आरती होने वाली है, आप लोगों को यहाँ का आरती दिखाएंगे जो कि एक बहुत ही अच्छा आरती होता है। अभी स्टार्ट होने वाला है, हम लोग सही टाइम पे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं तो आप लोगों को यहाँ दिखाते हैं। चलिए आरती देखते हैं। जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं उस स्थान पर सावन मास में बाबा की सवारी आती है। बाबा महाकाल इसी स्थान पर आते हैं और शिप्रा जी का उनका अभिषेक होता, उनका मिलन होता और अभिषेक होता है दोनों तरफ से। तो हम ये संकल्प लें कि जब आप उज्जैनी में आए हैं तो स्वच्छता का ध्यान रखें, शिप्रा के जल को निर्मल बनाने में सहयोग प्रदान करें। शिप्रे हर।
दोस्तों हम लोग महाकालेश्वर, नागेश्वर, ओमकारेश्वर और बाबा काल भैरव और साथ में हरसिद्धि मैया का दर्शन करके यहां से निकलने वाले हैं। दोस्तों सभी भगवान का दर्शन आप लोगों को अच्छे से नहीं करा पाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मंदिर वगैरह में वीडियो बनाने के लिए मना रहता है। तो और कभी देखते हैं, अगर समय मिलेगा तो और आएंगे और भगवान का और दर्शन करने के लिए आएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दे। धन्यवाद।